नमस्कार दोस्तों, हड्डी को फिट करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत बनाने में भी कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम के लिए खान पान में सबसे पहले दूध दही की बात दिमाग में आती है। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसकी वजह डेयरी फूड्स में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे बोन्स भी मजबूत बनती हैं। लेकिन कुछ लोगों को डेयरी फूड जैसे दूध दही पनीर का सेवन करना पसंद नहीं होता, तो कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो ऐसे में समस्या आती है कि कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए, कैल्शियम के लिए क्या खाएं, ये बड़ी समस्या रहती है। हालांकि डेयरी उत्पाद के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। तिल, अगर आप दूध दही का सेवन नहीं करते तो आप कैल्शियम के लिए खाने में तिल जरूर शामिल करें। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तिल काफ़ी फायदेमंद है। एक टेबल स्पून तिल में करीब 88 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। आप तिल का इस्तेमाल सूप, सीरियल्स या सलाद में डालकर भी कर सकते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू भी आप खा सकते हैं। आंवला, आंवला में भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी काफ़ी होते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। आंवला खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आप आंवले का जूस या आंवले को पाउडर के रूप में भी खा सकते हैं। जीरा, जीरा सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। जीरा खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसके लिए आप एक गिलास पानी उबाल लें। अब उसमें एक टीस्पून जीरा मिला लें। पानी को ठंडा करके दिन में कम से कम 2 बार पिए। गूगल, आयुर्वेदिक में कई दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गूगल से शरीर में कैल्शियम की कमी को भी दूर किया जा सकता है। अगर आप रोज करीब 250 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक गूगल खाते हैं तो इससे कैल्शियम की कमी नहीं होगी। रागी, रागी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। आप कैल्शियम के लिए रागी को डाइट में ज़रूर शामिल करें। रागी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप इसका हलवा, रोटी या चिल्ला बनाकर खा सकते हैं। ओट्स, ओट्स ज़्यादातर लोगों के बीच सबसे पसंदीदा नाश्ते में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाना आसान है और पोषक तत्वों से भरपूर है। ओट्स कैल्शियम के साथ कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है। आप ओट्स को कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लगभग आधा कप ओट्स में 200 मिलीग्राम से अधिक कैल्शियम होता है। आप दूध में ओट्स डालकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा ओट्स में मनपसंद सब्जी डालकर इसे खिचड़ी के तौर पर भी खा सकते हैं। चिया सीड्स, 2 चम्मच चिया सीड्स में 169 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चिया सीड्स को ओटमील टॉपिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चिया सीड्स को अपनी किसी भी सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। आप इसे सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स में बोरोन होता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सोया मिल्क, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो सोया मिल्क एक स्वस्थ विकल्प है। सोया दूध की एक सर्विंग में लगभग 500 मिलीग्राम प्रति सर्विंग कैल्शियम होता है। लेकिन अगर आप लैक्टोज असहिष्णुता है तो ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करें जो कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त हो। टोफू, टोफू कैल्शियम से भरपूर होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना आधा कप या लगभग 125 ग्राम टोफू ले सकते हैं। टोफू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। रोजाना टोफू खाने से शरीर को जरूरी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन, स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये शरीर को कई तरह की बीमारियों के खतरे से बचाते हैं।
एक कप सूरजमुखी के बीज में लगभग 109 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। ब्रोकली, ब्रोकली न केवल कैल्शियम की उच्च मात्रा पाई जाती है, बल्कि इसमें फाइबर, आयरन, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, ई, के और फॉलिक एसिड जैसे कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। ब्रोकली का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। संतरे, एक मध्यम आकार के संतरे में 60 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन संतरे का ज्यादा सेवन ना करें। इसमें मौजूद फाइबर का ज्यादा सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये पेट में होने वाली ऐंठन का कारण भी बन सकता है। बीन्स, बीन्स कैल्शियम का पावर हाउस है। एक कप बीन्स में 190 मिलीग्राम से अधिक कैल्शियम होता है। आप बीन्स को सूप में शामिल कर सकते हैं या इसकी सब्जी बनाकर भी ले सकते हैं। विटामिन डी, बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए प्राप्त कैल्शियम और विटामिन डी खाने की जरूरत होती है। विटामिन डी के साथ कैल्शियम का सेवन करने से कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से बचाव होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना आपका शरीर हड्डियों के लिए कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं। तो ये थी जानकारी आज के लिए। इसी तरह की जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।